उत्तर प्रदेश के संभल में 19 और 20 दिसंबर को हिंसा को लेकर प्रशासन ने 11 लोगों को हिंसा का दोषी मानते हुए लाख के मुचकले बॉन्ड नोटिस देकर कार्यवाही की है। संभल एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि अगर फिर से संभल जनपद में हिंसा हुई तो इन 13 लोगों से 50-50 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि 7 महिलाओं समेत 75 हिंसा के आरोपियों पर 1-1 लाख के नोटिस दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में सीएए और एनआरसी के विरोध में 19 और 20 दिसंबर को हुई हिंसा में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस घटना पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने पहले दंगा आरोपियों पर लगभग 10-10 लाख के सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के नोटिस पहले ही दिए थे, जिनको लेकर सभी आरोपी न्यायालय के शरण में जा चुके हैं और प्रशासन द्वारा किए गए लगभग 10-10 के नोटिसों की अदालत में सुनवाई हो रही है। जानकारी के अनुसार पक्के बाग वाली मस्जिद के पास खाली पड़े मस्जिद के मैदान में 22 जनवरी से सीएए और एनआरसी के विरोध में हजारों महिलाएं धरने पर बैठी हैं। प्रशासन का मानना है कि ये लोग महिलाओं को सीएए और एनआरसी के खिलाफ उकसाने का काम कर रहे हैं, जिससे जनपद की फिजा एक बार फिर से खराब हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने 13 लोगों को 50-50 के मुचकले नोटिस देकर पाबंद किया है। वहीं जिन लोगों को नोटिस मिले हैं वहीं प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि ऐसा करने वाले पर प्रशासन हमको वायलेंस होने पर मजबूर कर रहा है और उकसा रहा है। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाएं एक मस्जिद की जगह पर बैठकर शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारा इन महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, अगर प्रशासन चाहे तो उनको वहां से उठा सकता है। संभल से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है? ये जो नोटिस आया है कितने रुपए का आया है और क्यों आया? 50 लाख का नोटिस आया है। क्यों आया? हम ये तो कह नहीं सकते क्यों आए हैं, बस वो ये कहते हैं कि आप अपने यहाँ जो है इसको जो है ख़त्म कीजिए। हमने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये तो महिलाओं का प्रोटेस्ट है, हम उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर आसपास रहते हैं, इसलिए हमें जो है ये नोटिस आ गया। और बहुत से लोग हैं जिनको आसपास रहते हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है इसी तरह का। कितने रुपये का नोटिस आया उन लोगों पर? उनको भी 50-50 लाख का है। तो क्या वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं क्या? क्यों आए? नहीं बैठे हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट में महिला बैठी हुई है? जी सिर्फ महिलाएं बैठी हुई है। सरकारी संपत्ति में बैठी है प्राइवेट में? नहीं, वो जो है मस्जिद का कंपाउंड है उसमें बैठी हुई है। अच्छा, तो अभी 50 लाख रुपए अगर जनपद में कुछ होता है तो आप भरेंगे? नहीं, हम तो इतनी कोई वैल्यूएशन नहीं है, हमारी तालुका तो 10,000 रुपये है। क्या करेंगे? तो हम तो ये है कि हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। JBD Banquets lie here, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।